सर क्या मामला था सर, मुंबई पुलिस आई थी कब आई? आज सुबह मुंबई पुलिस थाना पंडरी में आई, जहां पर उन्होंने सूचना दी कि एक क्राइम रजिस्टर हुआ है बांद्रा पुलिस स्टेशन में, जहां पर शाहरुख खान को धमकी दी गई थी एक्सटॉर्शन के लिए, कुछ पैसों की मांग की गई थी। तो उस पर मुंबई पुलिस ने आकर के उसमें जो आरोपी का जो पहचान हुई है वो थाना पंडरी इलाके का रहने वाला है, तो उस पर मुंबई पुलिस उनको एक नोटिस तामील करके जा रही है। क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी गिरफ्तारी का कुछ सूचना ऐसी नहीं मिली है, सिर्फ एक नोटिस उनको आप देख करके मुंबई पुलिस जा रही है। सर उसका बैकग्राउंड क्या है? जो व्यक्ति है उसका नाम मोहम्मद फैजान खान के नाम से आइडेंटिफाई हुआ है और पेशे से वो एडवोकेट है। किस तरह धमकी दिया था? धमकी फ़ोन कॉल के माध्यम से हुई थी, जो एक कॉल गई थी ये बांद्रा पुलिस स्टेशन को ही गई थी और बांद्रा पुलिस स्टेशन में जो स्टाफ है उसने वो कॉल सुनी और उसको धमकी मिली, उसके बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करके इसमें क्राइम रजिस्टर किया। कब का ये पूरा मामला? ये 5 तारीख का मामला है। मोबाइल घूमने की या सिम घूमने की? हाँ, प्रार्थी ने शिकायत की है कि उसका फ़ोन 2 तारीख को गुम हो गया था, जिसके संबंध में उसने सूचना दी है, जिसकी अभी हम लोग भी तस्दीक करेंगे और मुंबई पुलिस इसमें जाँच कर रही है।